रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि मारवाड़ की ओर ले जाते नशे की खेप पकड़ी गई है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई की गई है। कंटेनर से 9 क्विंटल अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया है। कंटेनर में नीचे की ओर बना रखा था अलग से चैम्बर, जिसमें ये नशे की खेप सप्लाई की जा रही थी। कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी। सलमान, क्या है ये कार्रवाई पुलिस ने की है? 9 क्विंटल यहाँ डोडा चूरा पकड़ा गया है। कौन लोग थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्या कुछ कार्रवाई में सामने आया है? जी आशीष, मैं बता दूं कि चित्तौड़गढ़ मादक पदार्थों के तस्करी के नाम से जाना जाता है इलाका पे, और यहाँ काफी जो है मादक पदार्थ परिवहन होता है और पुलिस आए दिन तस्करों के हौसले को नाकाम करती है। कल इसी मामले में लेकर 900 किलो कोतवाली थाना पुलिस है जो निम्बाड़ा, उन्होंने कार्रवाई करते हुए कंटेनर पकड़ा था। उस कंटेनर के स्पेशली एक स्कीम नीचे की तरफ बना रखा था जिसके अंदर ले जाया जा रहा था जी। जो पुलिस ने 3 लोगों को इसमें पकड़ा है जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे गाड़ी की जी, उनका कहना है, पूछताछ बताया कि वो ये मारवाड़ की ओर खेप जा रहे थे जी। कहां से लाए थे ये? ये जो एस्कॉर्ट कर रहे थे उन 3 लोगों को पकड़ा था। उन्होंने एमपी से बताया गया इस जो चित्तौड़ जिला को क्रॉस करवाना था इसको तस्करी को लेकर जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने एस्कॉर्ट कर रहे युवकों को पकड़ा है। साथ ही जानकारी सामने आई है कि एमपी की ओर से नशे की खेप सप्लाई की जा रही थी, मारवाड़ की ओर से सप्लाई किया जाना था।